हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टॉक्स एंड ब्रेन में। आप लोग देख रहे हैं मेरी गाड़ी टाटा जेस्ट एक्सी मॉडल 2018 में खरीदी मैंने। एक्सी मॉडल 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है ये। 2 साल पूरे हो चुके हैं इस गाड़ी को। 3 सर्विस सेंटर में ही करवाई थी, इसलिए ये चौथी मेरी सर्विस है जो पेड सर्विस है। 43,000 किलोमीटर हो चुकी है इस गाड़ी को, इसलिए आज इसकी बहुत बड़ी सर्विस होगी और कुछ और पार्ट्स भी मुझे चेंज करवाने हैं, जैसे कि बैक लाइट और इंजन प्लस और वो सब 2-3 चीज़ें और भी हैं। तो चलिए सर्विस सेंटर में जाते हैं। सर्विस सेंटर में जाते जाते चलो थोड़ा सा नाश्ता पानी किया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे सर्विस में, इसलिए मैंने एक फ्रेंकी खा ली। अभी चलेगा, 2-3 घंटे हो जाएंगे तो भी। यहाँ फ्रेंकी फेमस है। चलिए आ गए हम टाटा मोटर श्री जी सूरत। सूरत गुजरात में है ये टाटा श्री जी का। मैंने आगे भी 3 सर्विस यहाँ ही कराई है और अच्छा रिस्पॉन्स है टाटा वालों का। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हर बार आते जाते रहते हो, इसलिए मुझे यहाँ के 2-3 बंदे भी पहचानने लगे। अब यहाँ पे गाड़ी आप खड़े रह के भी देख सकते हैं कि कैसी सर्विस हो रही है। आप उसको जाके पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ये नहीं डलवाना है ये डलवाना है। यहाँ टाटा हैरियर पड़ी हुई है सर्विस में। अभी चलिए अब मेरी गाड़ी की बारी। मैं अपनी गाड़ी नज़दीक से सर्विस हुए देखना चाहता था। मेरी गाड़ी का इंजन फ्लसिंग चालू हो रहा है अभी और टायर सेटिंग कर रहे हैं। ब्रेक पैड नए डाल रहे हैं, डिस्क ब्रेक पैड नए डाल रहे हैं, ब्रेक लाइनर नहीं डाल रहे हैं, पीछे का टेल लाइट नहीं डाल रहे हैं, आगे हेडलाइट चेक कर रहे हैं, हेलोजन ग्रीन लाइट। ये हो गई सर्विस गाड़ी मेरी। 40,000 किलोमीटर पे गाड़ी सर्विस हो रही थी पेड़ की, इसलिए थोड़ा सा बिल ज़्यादा आ गया, मगर गाड़ी उन लोगों ने कंप्लीट कर दी है। स्मूथ चल रही है अब पहले से, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी गाड़ी चल रही है। टाटा वालों ने सर्विस अच्छी करके दी है, क्लीन भी हो गई है। अब देख सकते हैं बाहर से, और मार्च डलवा है इसलिए थोड़े से महंगे हैं। बाकी गाड़ी अच्छी सर्विस हो गई है, अंदर से भी एकदम क्लीन करके दी है, वॉशिंग पॉलिशिंग। तो कैसी लगी आपको मेरी गाड़ी कमेंट में बताइएगा। सर्विस भी बाहर सर्विस सेंटर से करवाइए, बाहर से मत करवाइए। बाहर आपको पता नहीं क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे। उसमें मेरे को एक एक चीज़ रिप्लेसमेंट करके दी है, वो पुरानी चीज़ भी मुझे वापस दी है। बिल मेरा आया है 25,000 रुपीज़, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।